नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और हमारा हर रोज़ का जो प्रोग्राम है। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले कौन साथी है जो कमेंट करेगा और कौन साथी जुड़ता है। तो चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा है, तो आज देखते हैं कि कैसे किस तरह से कौन जो साथी है वो हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले तो साथी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो बीजेपी ने 67 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है और कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है ये भी हम आपको बताएंगे आज। और कौन साथी है जो सबसे पहले कमेंट करेगा, तो जो साथी जुड़ रहे हैं वो साथ के साथ शेयर करते रहें। काफ़ी साथी हैं जो जुड़ चुके हैं। नवदीप गिल बबली जिंदाबाद कह रहे हैं, नवदीप गिल स्वागत करते हैं। सबसे पहले नवदीप गिल हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं और इनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। प्रवीण राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई, राम राम राठी साहब, स्वागत है आपका। विक्रम शर्मा जुड़ चुके हैं टवाणा से बबली मुर्दाबाद। तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें और आज हम चर्चा करेंगे कि किस साथी को कहां से उम्मीदवार बनाया है, किसकी टिकट कटी है और किसको बीजेपी ने अपनी पलकों पर बिठाया है और किसको दी है टिकट की जिम्मेदारी। खासकर हम बात करेंगे, अजय सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम करण भाई, राम राम स्वागत है अजय भाई हमारे साथ जुड़ने को लेकर। वीडियो को शेयर करें एक बार। आज हम जो 67 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार ज़रूर, अब की बार कांग्रेस सरकार टोहाना से सरदार परमवीर सिंह जिंदाबाद, ये विक्रम शर्मा जी कह रहे हैं, जल्दी 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 एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर करते रहें। बीजेपी ने 67 सीटों की लिस्ट, रामेर नागली जुड़े हैं, राम राम करण भाई, राम राम कैसे हो रामेर भाई, स्वागत करते हैं आपका। और सोनू संधु जी, राम राम भाई, राम राम संधु साहब, स्वागत है आपका। तो आज जो लिस्ट आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ के साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन किसने कहां से बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान मच चुका है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पास किसके बेटे को टिकट दी है और किसकी पत्नी को, किसकी बेटी को टिकट दी है ये भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास जानकारी जो आ रही है, क्योंकि बीजेपी में एक बड़ा घमासान मच चुका है। बीजेपी लगातार टिकटों को लेके डिले करती जा रही थी, डिले करती जा रही थी, होल्ड पर जो लिस्ट थी वो रखी गई थी और उसको क्योंकि पता था बीजेपी को कि जब भी जो लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद एक बड़ा घमासान पार्टी के अंदर मचना शुरू हो जाएगा और वही हुआ।
आप देख सकते हैं कि जो हम अभी आपके सामने जो खबरें हैं वो रखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कहां से किसको टिकट मिली है और वहां से टिकट मिलने के बाद किसने पार्टी छोड़ दी है और कौन है जो वो एक परिवारवाद का जो आरोप वो लगा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाडवा से। लाडवा पर एक बड़ा घमासान मचा हुआ था। नायब सिंह सैनी कह रहे थे मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बड़ोली जी, उन्होंने कहा था कि सैनी साहब आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन घमासान के बीच फिर लाडवा से नायब सिंह सैनी को ही उम्मीदवार बनाया गया है। दो नंबर पर पंचकुला, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। अंबाला कैंट से अनिल विज को रखा गया है ज्यों का त्यों, और अंबाला शहर से असीम गोयल को टिकट दी गई है बीजेपी की। मुलाना से श्रीमती संतोष सरवन, यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और सढ़ोरा से बलवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर को दी गई है। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को दी गई है। रादौर से श्याम सिंह राणा को बनाया गया उम्मीदवार। और शाहबाद से सुभाष कलसाना को दी गई है टिकट। थानेसर से सुभाष सुधा को टिकट दी गई है। पेवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराणा को टिकट दी गई है। गुला से कुलवंत बाजीगर को फिर एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। कलायत से श्रीमती कमलेश डांडा को उम्मीदवार बनाया गया। कैथल से लीलाराम गुज्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी को उम्मीदवार बनाया गया है। इंद्री से राम कुमार कश्यप को बनाया गया है। और करनाल से जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से जगमोहन आनंद को जहां पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन घरौंडा से हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज को बनाया गया है। इसराना से कृष्ण लाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। और समालका से मनमोहन भड़ाना को उम्मीदवार बनाया। खरखोदा से पवन खरखोदा को उम्मीदवार बनाया गया। सोनीपत से निखिल मधान को बनाया गया। गोहाना से अरविंद शर्मा को बनाया गया है। स्फीदों से राम कुमार गौतम को, जो अभी अभी पार्टी जिन्होंने जेजेपी छोड़कर अभी बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन की थी, 1 तारीख को जींद रैली थी उसमें बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, सफीदों से राम कुमार गौतम को दी गई है। जींद से कृष्ण लाल मिड्डा को उम्मीदवार बनाया गया। उचाणा कला से देवेंद्र अत्री को बनाया गया है। और टोहाना से, जहां पर बड़ा एक पेंच फंसा हुआ था और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबले, हाई कमान के थ्रू बीजेपी में आते हैं, कांग्रेस उन्हें मना कर देती है और देवेंद्र सिंह बबली को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से। फतेहाबाद से दुड़ाराम बिश्नोई को बनाया गया है। रतिया से श्रीमती सुनीता दुग्गल को बनाया गया है, जो पीछे एमपी थी सिरसा से, उनको रतिया से टिकट दी गई है। राजेंद्र देसुजोदा को बनाया गया है कालामाली से। रानिया से शिशपाल कंबोज को, आदमपुर को भव्या बिश्नोई को रखा गया है। उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिली है। अनूप धानक अभी अभी जेजेपी से इस्तीफा देकर बीजेपी के अंदर आए थे और उन्हें अब अनूप धानक को उकलाना से बीजेपी द्वारा एक बड़ा उम्मीदवार बनाया गया है। नारनौन से कैप्टन अभिमन्यु को बनाया गया है। हांसी से विनोद भ्याणा को रखा गया है। बरवाड़ा से रणबीर गंगव्वा को, जो बरवाड़ा से आशा खेदड़ लगातार तैयारी कर रही थी, उनकी टिकट है जो कट गई है। हिसार से कमल गुप्ता हैं। नलवा से रणधीर पनिहार हैं। लोहारू से जेपी दलाल हैं। भदरा से उमेद पातुवास हैं। दादरी से सुनील सागवान हैं। भिवानी से घनश्याम सरफरा हैं। तोसाम से श्रीमती श्रुति चौधरी हैं। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि है। महम से दीपक हुड्डा हैं। गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा हैं। और कलानौर से रेणु डाबला हैं। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक हैं। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ हैं। जज्जर से कप्तान बिरधाना हैं। बेरी से संजय कबलाना हैं। अटेली से कुमारी आरती सिंह राव को दी गई है। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव को दी गई है। कोसली से अनिल दहिया को दहिना को दी गई है। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को दी गई है। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह को उतारा गया है। गुड़गांव से मुकेश शर्मा को उतारा गया है। और
और गोहाना से तेजपाल कंवर को, पलवल से गौरव गौतम को, पिरथला से है टेकचंद शर्मा को, बल्लभगढ़ से है मूलचंद शर्मा को, फरीदाबाद से विपुल गोयल को और तिगांव से राजेश नागर को टिकट मिली है। तो 67 लोगों का जो आपके सामने ब्यौरा रखा है किसको कहां से मिली है, और इसके बीच हमारे साथी जितने जुड़े हैं, सुखविंदर पिरथला है, मनदीप गिल है, रामवीर नागली है, पवन गिरधर है, सोनू कुमार है, सुमेर गिल हैं, तो सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप प्रोग्राम में जुड़े हैं और हम आपको बता देते हैं कि 67 उम्मीदवारों की जो जस राय जस भी जुड़ चुके हैं। भाई राम राम, राम राम, स्वागत है भाई साहब। पहली सूची में मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा है। मौजूदा जो विधायक थे संदीप सिंह, राम राम भाई, संदीप सिंह स्वागत है आपका, उनका टिकट कट चुका है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाड़ा, तो वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी का टिकट दिया गया है। और राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा, कपूर वाल्मीकि को बनाया गया उम्मीदवार, तो आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली, भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा हरियाणा के सुखविंदर चौरान की बड़ी खबर आ रही है। सुखविंदर चौरान की तरफ से टिकटों का बंटवारा होते ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से स्वयं को अलग करता हूँ, अतः कृपया मेरा त्याग पत्र तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने का कष्ट करें। तो हम आपको बता देते हैं कि महम से शमशेर सिंह खरगड़ा ने बीजेपी छोड़ी है, ये अभी हमारे पास आ रही है। मंत्री रणजीत चौटाला घर के ना घाट के रानिया से टिकट कटा, बीजेपी नेता चौधरी जिंदल और जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग रह गए खाली हाथ। जोगीराम सिहाग का टिकट भी कट चुका है और चौधरी जिंदल का टिकट भी कट चुका है। उकलाना से जजपा के जो विधायक छोड़कर गए थे अनूप धानक, उनकी जो लॉटरी है लग चुकी है। और परिवारवाद का भी इसके अंदर आरोप लगाया गया है। हम आपको बता देते हैं, कुलदीप बिश्नोई का बेटा है जो भव्य बिश्नोई, उनको टिकट दी गई है। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, उनको टिकट दी गई है, क्योंकि किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया गया था। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दी गई है। सतपाल सागवान का बेटा है सुनील सागवान, उनको टिकट दी गई है। विनोद शर्मा की पत्नी है शक्ति शर्मा, शक्ति रानी शर्मा, उनको टिकट दी गई है। एक परिवारवाद का भी आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये जरूर हमें बताएं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, टोहाना की जो शीट थी उस पर एक पेंच फंसा हुआ था, और उस पर पूर्व में मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुभाष बराला यहाँ से 2019 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, और उनका टिकट है जो वो कट गया है। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए देवेंद्र सिंह बबली पर पार्टी ने विश्वास जताया है और देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दे दी है। तो क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट जरूर करें। सुनील बंसल, राम राम करण, राम राम भाई साहब, राम राम भाई, सुनील बंसल हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई साहब, स्वागत है बंसल साहब आपका। तो क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जाए। देवेंद्र बबली जिंदाबाद, नरेंद्र गिल हमारे साथ जुड़े हैं, गिल साहब स्वागत है आपका। और देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी से उम्मीदवार के रूप में आए हैं, और लगातार टोहाना में चर्चा चल रही थी कि देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस में जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस
कांग्रेस ना होने के बाद बीजेपी में गए और वहां से टिकट लेकर देवेंद्र सिंह बबली आए हैं, तो क्या मानते हैं आप देवेंद्र सिंह बबली, क्या इतना होने के बाद अपनी जो जीत थी उसको बरकरार रख पाएंगे? इस पर कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। आज आप क्या मानते हैं, बीजेपी से देवेंद्र सिंह बबली आए हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? देवेंद्र सिंह बबली को कहां पर आप देखते हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली लगभग 48 से 50 हज़ार वोट प्लस लेकर वोट उन्होंने 2019 में चुनाव जीता था, तो क्या वो अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे, क्या जीत को बढ़ा पाएंगे, जीत का मार्जिन क्या रहेगा, ये बड़े सवाल अब की बार रहेंगे। रमेश रेडू जी, राम राम भाई साहब, स्वागत है रेडू साहब आपका, और तरसेम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम करण भाई, स्वागत है जी आपका। पवन गिरधर जी, चौधरी रणजीत चौटाला का नेता थे, उनको टिकट काट दी है, बिल्कुल रणजीत चौटाला की टिकट है, वो काट दी गई है, तो अब देखना होगा कि रणजीत चौटाला किस तरफ रुख करते हैं, या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे, देखना होगा। जिन जिन नेताओं का, जैसे जोगीराम सिहाग की टिकट भी कट चुकी है बरवाड़ा से, अब क्या जोगीराम सिहाग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर रणवीर सिंह गंगवा का साथ देंगे, बड़ी खबर है। आशा खेदड़ का टिकट कट चुका है, क्या आशा खेदड़ अब रणवीर सिंह गंगवा या फिर अनूप थानक का साथ देगी? सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हार पक्की है जी सतीश कुमार जी। बड़ी खबर आ रही है, संदीप गिल हमारे साथ जुड़े हैं, जीत पक्की है, आने दे उसको। राजेश कुमार, राम राम करण भाई, राम राम मामा जी, स्वागत है आपका, हमारे आदरणीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कई दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो अनुरोध करेंगे कि हर रोज़ हमारे साथ हमें दर्शन दें, हमारे साथ जुड़ें। और बड़ी खबर आ रही है, 67 लोगों की लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है, उसमें जिनका टिकट कट चुका है उनके अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। महम से खबर आ रही है कि महम से रमेश खड़कड़ा जो हैं उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। अभी हमारे पास जो उनके द्वारा लेटर लिखा जाता है वो अभी तक नहीं आया है, उसके आने के तुरंत बाद हम आपको बता देंगे। भक्ति नैन इंसा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेदोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेश कुमार जी, त्रिशेम जी, अनिल मौर जी, विकास राठी जी, सिंदर पंडित जी, अधिगौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र गिल हमारे साथ जुड़े हैं, बलवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतलाल गिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुखविंदर गिल हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, कॉमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। त्रिशेम सिंह बता रहे हैं सभी गाँव में विरोध होगा देवेंद्र सिंह बबली का बीजेपी में जाने से, तो बड़ी खबर यही रहेगी, क्या देवेंद्र सिंह बबली अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगे, बड़ा सवाल यही है। अजैब सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, और आज बीजेपी ने 67 जो नाम है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के जो पहले विधायक थे उनके भी नाम कटे हैं, या जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए थे उनके नाम भी कटे हैं, जैसे जोगीराम सिहाग की बात करें, और भी जो हैं उनके नाम यहाँ कट चुके हैं, गौतम शर्मा को वहाँ से स्वीदों से बनाया गया है उम्मीदवार, देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से बनाया गया, अनूप धान को गुलाना से बनाया गया है, बड़ी खबर है। 67 लोगों पर विश्वास जताया है, क्या जिन लोगों ने, जैसे अनूप धानक जीत कर जेजेपी से जीत कर गए थे, क्या वो अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगे? रणबीर गंगवा यहाँ से
जोगीराम सिहाग की टिकट काट दी गई है जो जेजेपी से जीत कर गए थे, क्या रणबीर गंगवा यहाँ जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या जोगीराम सिहाग रणबीर गंगवा का साथ देंगे? भक्ति नैन राम राम गिल साहब स्वागत है नैन साहब। बीजेपी की 67 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, क्या मानते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। क्या देवेंद्र सिंह बबली जो इतनी बड़ी जीत जेजेपी में रहते हुए उन्हें हासिल हुई थी, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? क्या जिनको टिकट नहीं मिली है वो बीजेपी का साथ देंगे? सुभाष बराला का नाम यहाँ से कट चुका है। सुभाष बराला लगातार बीजेपी में वर्षों से लगे हुए थे, तो उस खेमे का क्या होगा? सुभाष बराला का जो कार्यकर्ता है उनका क्या होगा? क्या वो देवेंद्र सिंह बबली का साथ देंगे? नरेश बंसल इंटरनल तैयारी कर चुके थे, चुनाव लड़ने के मूड में थे, इंटरव्यू भी हमने किया था और वो तैयारी में थे। उन्होंने कहा था सिर्फ हरी झंडी मिलनी है और हरी झंडी सुभाष बराला की तरफ से मिलनी थी। क्या नरेश बंसल अब देवेंद्र सिंह बबली का साथ देंगे? बड़े सवाल हैं। आप भी इसके अंदर जरूर अपने जो कमेंट सेक्शन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं। टोहाना में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो साथ दे पाएंगे? भक्ति नैन बता रहे हैं जीत है मेरे हिसाब से बबली की, बाकी रब की मर्जी। मनदीप सिंह मंडेरना कह रहे हैं कांटे की टक्कर होगी। भाई कांटे की टक्कर किसके साथ होगी? अगर कांग्रेस की टिकट रणधीर सिंह को मिल जाती है तो क्या होगा? सुबे सिंह समैन को मिल जाती है तो क्या होगा? बलजिंदर सिंह ठरवी को मिलती है तो क्या होगा? किसके साथ आप मानते हैं कांटे की टक्कर होगी मनदीप भाई? संदीप गिल लिख रहे हैं बबली उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे साथी संदीप गिल बता रहे हैं। संदीप गिल भाई एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उप मुख्यमंत्री बनते ये वीडियो आपके सामने आए जो आपने कमेंट किया है। पवन कुमार बरवाड़ा से राम राम भाई, बीजेपी की टिकट मिल चुकी है आप लोगों को, रणबीर गंगवा आया आपके पास बीजेपी की तरफ से, क्या मानते हैं पवन भाई बरवाड़ा के अंदर? रणबीर गंगवा को किस तरह देखते हैं? जोगीराम सिहाग की टिकट कट चुकी है बरवाड़ा से, जब बराला जी के ऊपर से दबाव आएगा तो बराला। नैन साहब बबली को सपोर्ट करना पड़ेगा, नैन साहब कह रहे हैं जब हाई कमान का दबाव होगा बराला पर तो बराला खुद ब खुद बबली का साथ देगा। देखिए आप पहले देख चुके हैं, तो पवन गिरधर सॉरी पवन कुमार ने बताया है बरवाड़ा से जीरो है, तो क्या मानते हैं? अगर जोगीराम सिहाग को मिल जाती तो क्या मानते हैं आप पवन भाई? नैन साहब मैं आपकी बात पर आता हूँ, बराला को साथ देना होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चुनाव हुए थे नगर परिषद के, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था और गठबंधन की तरफ से देवेंद्र सिंह बबली के रमेश गोयल को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था नगर परिषद का, तो चेयरमैन का साथ दिया था उस समय और चेयरमैन बनाया था नरेश बंसल को। बहुत बड़ी बात है, पवन भाई कह रहे हैं बीजेपी जीरो है और राजेश कुमार कह रहे हैं आपस में लड़वा जाएगा बीजेपी के भी और कांग्रेस वालों के भी। तो हम तो यही अपील करेंगे चैनल के माध्यम से लगातार करते आ रहे हैं कि किसी भी पार्टी के चक्कर में आके भाईचारा खराब ना करें। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता टिकाऊ नहीं है किसी भी पार्टी में। आप भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
मनदीप सिंह कह रहे हैं रणधीर को अगर टिकट मिलती है तो बबली के साथ मुकाबला होगा, नहीं तो जीत क्लियर है बबली की। और पवन बता रहा है बरवाड़ा से कांग्रेस है, कौन हो सकता है बरवाड़ा से कांग्रेस का उम्मीदवार पवन भाई? कोई भी पार्टी लकी हंडा हमारा भाई जुड़ चुका है और मनदीप गिल, मनदीप गाजूवाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं मनदीप भाई जो टेक्निकल सिस्टम देखते हैं, और लकी हांडा जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जगशीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम शर्मा जी, स्वागत है आपका। जो साथी जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर करें, क्या लगता है दुड़ाराम फतेहाबाद से हैं वो जीत पाएंगे? सुनीता दुग्गल को रतिया में लेकर आए हैं, सुनीता दुग्गल को रतिया की टिकट दी गई है, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को दी गई है, बरवाड़ा से अनूप धानक को दी है, सॉरी उकलाना से अनूप धानक को दी है, बरवाड़ा से रणबीर गंगवा को दी है, क्या मानते हैं इसको आप? किस तरह से एक अलग ही बीजेपी ने एक अलग ही स्ट्रेटजी के हिसाब से जो ये लिस्ट तैयार की गई है, क्या मानते हैं किस हिसाब से की गई होगी? पवन कुमार कह रहे हैं राम निवास घुड़ेला कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। पवन गिरधर हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं, जिनको टिकट उम्मीद थी वो अब मायूस होकर रह गए हैं, जिनमें बीजेपी के पुराने कदावर नेता थे वो क्या करेंगे, सोचने पर मजबूर कर दिया है। गिरधर साहब आप बताइए क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और भक्ति नैन कह रहे हैं बेटा सिमरजीत नैन की तरफ से नमस्ते जी, अभी आपको देख के बहुत खुश है सिमरजीत। सिमरजीत बेटा, पूरी रियल न्यूज़ हरियाणा की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। नैन साहब के नन्हे मुन्ने फूल के गुलाब, गुलाब के फूल हैं दोनों बच्चे, फूल हैं गुलाब के दोनों। और राजेश कुमार जी कह रहे हैं सही बात है करण, भाईचारा नहीं खराब करना किसी ने भी जी, बहुत बड़ी यही हमारी सबसे बड़ी अपील रहेगी। और चुनाव के दौरान हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि कोई भी साथी भाईचारा खराब न करे राजनीति के चक्कर में आके। जगशीर शर्मा कह रहे हैं टोहाना से सरदार परमवीर सिंह विनर हैं। शर्मा जी आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, 27 लोगों की जो लिस्ट है वो आई है, उस पर बताइए आपके कमेंट। बबली को टिकट दी गई है, बराला का खेमा क्या करेगा, क्या बबली का साथ देगा? बराला अपने 50,000 वोट बराला जी के पास थे, तो क्या लगता है कितने वोट बबली का साथ देंगे? पवन गिरधर जी कह रहे हैं मेरे को नहीं लगते जो पुराने साथी थे वो साथ दे पाएंगे। भाई मेरा बेटा अगमजोत सिंह आपको राम राम बोल रहा है, वो भी आपको सुन रहा है जी। अगमजोत जी बेटा, आपके उज्जवल भविष्य के जितने साथी जुड़े हैं या पूरी रियल न्यूज़ हरियाणा की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें यही परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं। सभी लोग मिलकर अगमजोत को उज्जवल भविष्य की कामना आशीर्वाद देते हैं। तो यही देखिए एक बड़ी बात मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरे को इसी बात की खुशी है जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अपने प्रोग्राम को देख रहे हैं, इससे बड़ी मेरे लिए पूरी टीम के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। पूरा परिवार इस प्रोग्राम को देख सकता है बैठकर, बहुत बड़ी खुशी की बात है। चाहे छोटा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, नौजवान साथी है, माता है, बहन है, चाची ताई दादी, सब मिलकर इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं,
यही सबसे बड़ी पूरी टीम के लिए, रियल न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, जैसे नैन साहब ने बताया और जैसे हमारे जसराज जस ने बताया और हमारे साथी सत्यवान डांगरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई साहब, राम राम जी, स्वागत है आपका। और त्रिशेम जी कह रहे हैं सुभाष बराल जी देवेंद्र सिंह बबली जी का साथ नहीं देंगे टोहाना से, मेरा मानना है, ये इनका मानना है। ये आपके पास ही जसराज जस आपके पास हो सकता है, लेकिन आवाज़ मेरी आ रही है, मेरा मानना है, ये इनका मानना है। राम राम जी, स्वागत है आपका। और ये आपके पास ही जसराज जस आपके पास हो सकता है, लेकिन आवाज़ मेरी आ रही है, मेरा मानना है, ये इनका मानना है। और भक्ति नैन कह रहे हैं आपका प्रोग्राम साफ और पवित्र है। जी जी, थैंक यू नैन साहब। बंसीलाल चावला जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी, राम राम कुलदीप पंचाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम जी, पंचाल साहब स्वागत है आपका। और जो भी साथी हमारा साथी जुड़ रहा है वो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करता रहे। देखिए अभी तक किसी साथी ने शेयर नहीं किया है, किसी भी साथी ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। देवेंद्र सिंह बबली जी को टोहाना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। जी राठी साहब बिल्कुल, और जो भी साथी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा है उनका सभी का यहाँ स्वागत है। और सभी चाहे कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा है वो अपने कमेंट है वो रख सकता है सभ्य भाषा के अंदर। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भक्ति नैन कह रहे हैं सर जी 5 ग्रुप में शेयर कर दिया है। थैंक यू नैन साहब, थैंक यू। और विकास राठी, लो मैं करता हूं भाई शेयर। बंसीलाल जी, टोहाना उकलाना से कांग्रेस की जीत पक्की है। ये बंसीलाल जी कह रहे हैं टोहाना उकलाना से कांग्रेस की जीत पक्की है। जसराज जी कह रहे हैं भाई शेयर तो कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपको आवाज़ में दूसरे फ़ोन में सुना देता हूं एक बार राठी जी, सॉरी जसराज जी, ये देखिए अभी मैं सुना रहा हूं आपको। लो मैं करता हूं भाई शेयर। बंसीलाल जी, टोहाना उकलाना से कांग्रेस की जीत पक्की है। ये बंसीलाल जी कह रहे हैं टोहाना उकलाना से कांग्रेस की जीत पक्की है। जसराज जी कह रहे हैं भाई शेयर तो कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपको आवाज़ में दूसरे फ़ोन में सुना देता हूं एक बार। तो भक्ति नैन जी कह रहे हैं वॉइस ओके है और नैन साहब ने वीडियो को शेयर भी किया है, हमें शो भी हो रहा है अब। विकास राठी कह रहे हैं ठीक आ रही है। पवन गिरधर कह रहे हैं आप करण जी आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, जो आप अपने श्रोताओं की बात सुनते हैं, आपकी पत्रकारिता भी सच्चाई से सबके सामने रखते हैं जी। थैंक यू पवन जी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे श्रोता ही इतने अच्छे हैं, अच्छी बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, तो हमारे श्रोताओं की बातें, ये पोर्टल ही इसलिए बनाया गया है, ये प्रोग्राम ही इसलिए शुरू किया गया है कि जो हमारे श्रोता हैं वो अपने विचार रखें और वो विचार हम जनता के सामने रखें, उनको आवाज़ दें, आपके विचारों को हम आवाज़ दें और वो जनता तक पहुँचें।
यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि आप लोगों तक हम तरसेम जी कह रहे हैं रियल न्यूज़ चैनल टोहाना का सबसे बढ़िया चैनल है हमारे लिए साथियों। और जगशीर शर्मा जी कह रहे हैं टोहाना में कोई और टक्कर में कोनी सरदार परमवीर सिंह का। जी जी शर्मा जी स्वागत करते हैं आपका, आपका रिएक्शन चाहते हैं कि 67 सीट जो बीजेपी ने यहां से हरियाणा के अंदर आज अनाउंस की है, और टोहाना की खासकर हम बात कर रहे हैं शर्मा जी कि बीजेपी में देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दे दी है, बराला खेमे का क्या रिएक्शन रहेगा, ये सवाल बड़ा है आज का। सबसे पहले तो एक धार्मिक स्थल था जहाँ देवेंद्र सिंह बबली जो हमारे विधायक भी हैं और आप तो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो बराला जी हैं ऐसे व्यक्ति का आप ऐसे धार्मिक स्थल पर नाम न ले तो ज़्यादा बेहतर है। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई थी कि 40 लाख रुपया ग्रांट जो है वो पिछली बार बराला जी दे करके गए। सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, काफ़ी साथियों ने शेयर किया है, और कमेंट करें। आज यही बड़ा सवाल था, जैसे कि बात करें काफ़ी जो नेताओं की टिकट है जो कट चुकी है बीजेपी में, नए नेताओं की एंट्री है बीजेपी में, क्या जिनकी टिकट कटी है, जैसे हम रणजीत सिंह चौटाला की बात कर लेते हैं, सुभाष बराला की बात कर लेते हैं, बीजेपी में नए नए आए थे जोगीराम सिहाग उनकी बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी जो नेता हैं खरकड़ा जी हैं मैम से उनकी बात कर लेते हैं। तो जिन नेताओं के टिकट कट चुकी है और जो नए नेता उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या लगता है जो पुराने कार्यकर्ता या पुराने नेता लगातार 20-20 साल से मेहनत करते आ रहे थे, क्या वो उन नए नेताओं को साथ नेताओं का साथ दे पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं, नवीन गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हम बात करते हैं टोहाना की, जहां देवेंद्र सिंह बबली और सुभाष बराला में कांटे की टक्कर रहती थी। सुभाष बराला सांसद हैं बीजेपी के, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी मजबूत पकड़ सुभाष बराला की बीजेपी में है, तो क्या लगता है देवेंद्र सिंह बबली का साथ दे पाएंगे सुभाष बराला कार्यकर्ता हैं। मान लेते हैं सुभाष बराला पर प्रेशर आ जाता है, सुभाष बराला को उनका साथ देना पड़ जाता है, लेकिन हमारे ही चैनल पर सुभाष बराला ने एक बात कही थी, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या अगर भविष्य में, क्योंकि आहट हमें लग रही थी कि देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ सकते हैं, और एक सवाल किया था कि क्या आप साथ देंगे अगर देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो सुभाष बराला ने दो शब्दों में ही अपनी बात खत्म कर दी थी कि सुभाष बराला ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जो व्यवहारिक न हो, सामाजिक न हो, जिन्हें बोलने का ज्ञान न हो। तो उन बयानों को देखकर क्या लगता है आपको कि सुभाष बराला देवेंद्र सिंह बबली का साथ देंगे
या नहीं। नवीन गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम नवीन गोयल को ऐड करने की कोशिश करेंगे, उनकी तस्वीर, नवीन जी की तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही है। अमित गिल जुड़े हैं भाई साहब, राम राम। और जसराज सर कह रहे हैं कि वोट उसको देंगे जो टुहाना की आवाज बनेगा, किसानों गरीब मजदूरों की आवाज बनेगा। जी तो बहुत बड़ा जो सवाल है वो अब आपके सामने है, आप क्या मानते हैं, क्या राय इसको देना चाहेंगे? रवीन शर्मा जी, राम राम भाई जी, राम राम। ओम चौहान जी, किसकी सरकार बना रहे हो भाई साहब? देखिए ओम भाई, सरकार बनाएगी जनता, और उस जनता में आप भी हैं, मैं भी हूं। आप अपने विचार दे दीजिए, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? नवीन भाई ऐड कीजिए, रिक्वेस्ट आई हुई है। देखिए हम लगातार यही बड़ा सवाल लेके आपके पास आ रहे हैं। रविंद्र शर्मा जैसे कह रहे हैं बबली की हार निश्चित है, क्यों निश्चित है ये भी हमें जरूर बताएं। बबली की हार क्यों निश्चित है? बबली लगभग 1 लाख प्लस वोटों से जीता था, 1 लाख प्लस वोट उनके पास आए थे, हार कैसे निश्चित ये जरूर बताएं हमें। भक्ति नारायण कह रहे हैं जो बीजेपी को वोटर है वो फेस देखकर वोटिंग नहीं करते, वो सिर्फ कमल का निशान देखते हैं, नैन साहब कह रहे हैं। और रिक्वेस्ट हम नवीन गोयल के पास दोबारा भेज रहे हैं। तरसेम सिंह कह रहे हैं बदलाव चाहिए हरियाणा में, बदलाव चाहते हैं तरसेम सिंह। नवीन गोयल से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे पास रिक्वेस्ट भेजें। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। आज बड़ा एक फेरबदल यहां देखने को मिला है 2019 के इलेक्शन में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, बहुत फर्क है जी। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। राजेश बोलान कुमार, राजेश कुमार बोलान, 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है भाई साहब।
भाई साहब हमारे पास तो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, अगर आपके पास 90 उम्मीदवारों की आई है तो हमारे पास भेजने का कष्ट करें। जगजीर समा बबली की टोहाना से हार पक्की है, किसान मजदूरों पर लाठी मारी बुलाई को नहीं जान दी। अच्छा और दस राय दस कह रहे हैं राजेश जी स्टार्स टी टिकट अनाउंस हुए हैं बीजेपी की, देवेंद्र सिंह बबली नमस्कार जी। देवेंद्र सिंह बबली साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। और बीजेपी की टिकट इनको मिल चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल टिकट मिल चुकी है। और हम अनुमान भी यही लगा रहे थे कि जल्द ही, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि क्या हो सकता है, तो ये राजेश भाई ने देख लिया है विधानसभा का नंबर। राजेश हमारे बड़े भाई हैं शिवानी बोलान से, राजेश कुमार बोलान साहब, आपने देखा है टिकट का नंबर, उसके पहले डिजिट देखें 67, 67 ही टिकट अनाउंस हुई है, आपने 67 के सामने देख लिया है, विधानसभा का नंबर देखा आपने, शायद वहां मिस्टेक हुई है कोई। नवीन गोयल जी, करण भाई जी, नवीन जी क्या कहना चाहते हैं देवेंद्र सिंह बबली, आपने तो बहुत पहले अनुमान लगा दिया था जी। देखिए रियल न्यूज हरियाणा रियल खबरों पर ही फोकस करता है देवेंद्र सिंह बबली, और वो बिल्कुल सही था जी। धन्यवाद, आपने उस पर मोहर लगाई है, और जो हमें उम्मीद थी वो आपके सामने बातें रखी थी कि ये हो सकता है, काफी समय पहले की बात है ये। बबली की फेस वैल्यू है तभी जीत होगी बबली की जी। नैन साहब और जो साथी जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ, हमारे जो जैन साहब हैं, हमारे सीनियर पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय हैं, और जिनकी जिनके सानिध्य में हम लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। युगांतर, युगांतर न्यूज़ से, युगांतर न्यूज़ के वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो हमारे आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं हम। अनूप गिल राम राम भाई, अनूप, बिट्टू भिटमड़ा स्वागत है भाई, बिट्टू राम राम भाई, राम राम आपको भी। कांग्रेस में क्या हो सकता है, कांग्रेस में बहुत कुछ हो सकता है भाई, देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य, कांग्रेस में बहुत कुछ हो सकता है, बट फ्रॉम माई साइड आई थिंक परमवीर जी। परमवीर की मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो जो अनाउंसमेंट हाईकमान ने की हुई है कि 2 बार जो हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। और हमारे युगांतर न्यूज से हमारे आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कमेंट किया, लगे रहो करण भाई जी, आशीर्वाद है आप लोगों का, प्यार है, और आप लोगों के सानिध्य में हम कार्य कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी के दम पर हम चल रहे हैं, और आपका हम आशा करेंगे, हमारे जैन साहब का,
से कि उम्मीद रखेंगे लगातार हम पर ये आशीर्वाद रूपी जो हाथ है वो हमारे सिर पर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें लगातार जब भी समय मिलता है गाइड करते रहते हैं, समझाते हैं, क्योंकि एक सीनियर पत्रकार हैं हमारे, बहुत पुराने जो इस फील्ड में कार्य करते हैं और हम अभी अभी इस फील्ड के अंदर हमने कदम रखा है। तो लगातार जो भी हम कदम रखते हैं उसको ये बताते हैं कि ये कदम इस तरह से रखना चाहिए, ऐसे यहाँ पर इस तरह चलना चाहिए, तो हम इनके बहुत धन्यवादी हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। भक्ति नंद कह रहे हैं मेरे गांव में बहुत काम किए हैं बबली ने, आज तक किसी नेता ने नहीं किए जी। और बिट्टू बिठुरा कह रहे हैं सीमा गई बीजेपी से जी, कहाँ गई है और जरूर बताएं जी। नैन साहब सभी गांव में बहुत अच्छा कराया हुआ है, टिकट तो मिल गई। अनूप गिल किसको मिल गई भाई, गिल साहब जरूर बताएं किसको टिकट मिली है। देवेंद्र सिंह बबली पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है। करण भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमारे जैन साहब कह रहे हैं, बाकी जो आप कह रहे हैं यह आपका बड़प्पन है जी। देखिए हम लगातार ये आप जो हमें समय समय पर गाइड करते हैं ये बड़प्पन नहीं, ये हकीकत है। और जो हकीकत होती है वो हम स्वीकार करने में चाहे कहीं पर भी हो वो हम शर्म नहीं महसूस करते या हम किसी भी प्रकार का उसमें गुरेज महसूस नहीं करते। अगर हम कोई कार्य ऐसा है जैन साहब इसमें जो आप हमें गाइड करते हैं वो हमें बताने में कोई शर्म की बात नहीं है और हम लगातार आप जैसे लोगों से सीखते हैं। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं हम शुरू से ही, जब से हमारा ये प्रोग्राम चला हुआ है 9 से 10 का, तो शुरू से ही हम आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं आपसे ही सीखते हैं हम। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, सारा दिन बस बुराई में लगे रहते हैं, कौन लगा रहता है भाई। और हिमांशु गिल हमारे साथ जुड़े हैं, गिल साहब स्वागत है हिमांशु भाई आपका। और नवीन गोयल जी, नवीन जी आप हमारे पास रिक्वेस्ट जरूर भेजें, रिक्वेस्ट आप सेंड करें हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा आज का सवाल हमारा यही था, बीजेपी ने 67 सीटें हैं जो वो अनाउंस की हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की टिकट कटी है, बहुत सारे नए लोग उसके अंदर जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात हम टोहाना विधानसभा की कर रहे हैं, देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, सुभाष बराला यहाँ से एक मजबूत कड़ी बीजेपी की थी क्योंकि बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी हैं। और देवेंद्र सिंह बबली और बीजेपी से पूर्व में अगर हम बात करें जो सुभाष बराला जी बीजेपी से थे उनके अंदर एक कांटे की टक्कर रहती थी, मंच पर आदान प्रदान रहता था, आप सभी उसको देखते थे। क्या लगता है आपको, ये सवाल है हमारा, क्या सुभाष बराला खेमा देवेंद्र सिंह बबली खेमे का साथ देगा, क्योंकि आप दोनों एक पार्टी में जुड़ चुके हैं, एक पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, क्या वो अब मिलकर बीजेपी को और ऊंचाइयों तक तो ले जा पाएंगे, क्या लगता है आपको? तो जरूर इस प्रकार के जो आज का बड़ा सवाल है इस पर आप अपने कमेंट दें। प्रवीण सीमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमार जी का, प्रवीण जी का हम स्वागत करते हैं। दिस इज ए विचुअल गिफ्ट, सेंड 99 स्टार, वहां जाकर करें। नैन साहब स्वागत है आपका, आपने स्टार जो सेंड किया है। और सीमार का हम स्वागत करते हैं, प्रवीण जी का हमारे साथ जुड़े हैं।
प्रवीण जी कह रहे हैं धन्यवाद। नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। दिनेश गिल हमारे साथ जुड़े हैं, गिल साहब स्वागत है। राम राम भाई, डोज फिनिश व्हाट, क्या लिखा है आप जरूर एक बार दिनेश, ये क्या डज लिख देते हो आप? शेयर जरूर करें वीडियो को, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे कोई भी है, दिनेश जी जुड़े हैं, देवेंद्र सिंह बोले टीम सदस्य जुड़े हैं, और प्रवीण जी जुड़े हैं, भक्ति नारायण ने किया है, हिमांशु गिल जुड़े हैं, सभी साथी जुड़े हैं, देवेंद्र सिंह बोले टीम सदस्य कहते हैं फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। और टीम देवेंद्र सिंह बबली अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को अभी अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, और आपके जो और भी साथी हैं उनको भी कहें कि प्रोग्राम में जरूर जुड़ें, क्योंकि आपको अब टिकट मिल चुकी है, आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी है जो वो आपकी बढ़ चुकी है टीम देवेंद्र सिंह बबली की, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली की टीम है जो वो एक फील्ड में मजबूती के साथ कार्य करती है। भगवान आपकी उम्र लंबी करे और आपका चैनल ऐसे ही आगे बढ़े। भक्ति नैनसा कह रहे हैं 99 स्टार डन, थैंक यू नैन साहब। सतवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम जी, राम राम। और ओम प्रकाश सीमार जी हमारे आदरणीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम जी, आपको भी राम राम। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य कह रहे हैं जी बिल्कुल शेयर जरूर करें, आपका सिर्फ हाथ का निशान आता है, अब इस हाथ के निशान का नहीं फूल का निशान आना चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी के हो चुके हैं और बीजेपी कमल का निशान है, बीजेपी का आप बार बार हाथ का निशान भेज देते हैं, हाथ के निशान ने आपको मना कर दिया था, सॉरी मजाक की बातें हैं। तो ओम प्रकाश सीमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, शेयर डन नहीं जी, देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य शेयर डन नहीं हुआ है, शेयर डन होते ही हमारे पास हमें मालूम होगा, आपने ग्रुपों में शेयर किया है लेकिन आपकी वॉल से शेयर नहीं हुआ अभी तक। मंजीत जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई, राम राम जी, जांगड़ा साहब स्वागत है। गुड नाइट करण भाई, तरसेम जी गुड नाइट, बिल्कुल समय हो चुका है। और भक्ति नैन कह रहे हैं गजब की रिपोर्टिंग, हाथ का निशान। देखिए नैन साहब, हम मजाक कर रहे थे, एक ये निशान आता है जब हम कमेंट पढ़ते हैं, आप कमेंट करते हैं तो उसमें एक ऐसे निशान आता है हाथ का, ऐसे, तो उसी को बोल दिया था। रोशन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सर जी राम राम, राम राम रोशन जी स्वागत है आपका। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं नैन साहब, जैसे रोशन जी हमारे साथ हाथ जुड़े हैं और इनके सामने, रोशन जी के सामने एक फ्लैग यानी कि झंडे का निशान आ रहा है, अब इनको क्या बताएं कि कैसे हटाएं इसको, यहाँ से झंडा उठाए हुए हैं रोशन जी हमारे साथी हैं। और हमारे आदरणीय सतपाल ननेरी जी, हमारे अंकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतपाल ननेरी जी, जी स्वागत है अंकल जी आपका, काफी दिनों बाद आप जुड़े हैं, और इनको देख सकते हैं ये जब से हमारे साथ जुड़ते हैं तब से इनकी गोदी में बच्चा रहता है, डीपी पर लगाया है, सॉरी मजाक कर रहे हैं, ये अपने पोते, शायद पोता है या पोती है, उसको उठाए रहते हैं शुरू से ही। अंकल जी इनको कभी कंधे पर बिठाया करो। भक्ति नैन इंसा आपके सामने स्टार आया हुआ है, देवेंद्र सिंह बबली ने देखो फूल के निशान भेज दिए हैं और शेयर भी कर दिया वीडियो को, और शेयर करते ही वो हाथ का निशान भी गया, बबली का फूल बिल्कुल। देखिए देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने फूल का निशान भेजते ही उनके सामने आप देख सकते हैं शेयर का निशान आया, भाई इन्होंने शेयर कर दी वीडियो और हाथ का निशान गायब। खुशप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, खुशप्रीत जी स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप हमारे साथ लगातार वीडियो में, लाइव प्रोग्राम में जुड़ते रहें, क्योंकि
लगातार आज एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमें बीजेपी की चर्चा की है, सॉरी मैं माफी भी चाहूंगा। यहाँ पर आया है हमारे साथ, कमेंट आया है सतवीर सिंह चौधरी का, बबली के साथ इलेक्शन में मैंने बहुत मेहनत की थी, चंद्रावल मोची वाली जांडली बुना, चंद्रावल मोची वाली जांडली बुना में। और भक्ति नैन कह रहे हैं हाथ हकीकत में गायब होगा अब की बार। देवेंद्र सिंह बबली फिर हंस पड़े। विजेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेचुलेशन टीम बबली एंड टोहाना बीजेपी वर्कर। देवेंद्र सिंह बबली जी बिल्कुल, देखिए टीम देवेंद्र सिंह बबली आप प्रोग्राम छोड़कर जा रहे थे, फिर मिलेंगे कह रहे थे, देखिए कितना आपको अब आनंद आ रहा है प्रोग्राम में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जेजेपी ने भी आज जो टिकट है वो अनाउंस की है। देखिए मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं, जेजेपी ने टिकट अनाउंस की है, जेजेपी और आजाद जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। भाई देवेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, टोहाना की आन बान शान। देखिए यही एक डायलॉग गदर फिल्म में सनी देओल ने बोला था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा जी। तो जेजेपी पार्टी की हम टिकटों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। जेजेपी ने कहां से किसको टिकट दी है, उन्होंने 19 टिकटें बांट दी हैं। मुलाना से जो रिजर्व थी उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी हैं डॉक्टर रविंदर धीन जी, और सढ़ौरा से हैं आजाद पार्टी के सोहेल जी, और जगाधरी से हैं आजाद पार्टी अशोक कश्यप, अरादौर से हैं राम कुमार बुबका, गुला से हैं कृष्ण बाजीगर, गोहाना से हैं कुलदीप मलिक, जुलाना से अमरजीत डांडा, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत, उचाना से दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे, डबुवाली से दिग्विजय चौटाला, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, दादरी से राजदीप फोगाट, तोसाम से राजेश भारद्वाज, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव, बावल से रामेश्वर दयाल, सोना से विनेश गुर्जर है आजाद पार्टी से, होडल से सतवीर तंवर है, और पलवल से हरित भैंसला है ये आजाद पार्टी से। तो जेजेपी ने भी 19 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। रीना इंसा हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी, राम राम, राम राम बहन जी, स्वागत है आपका भी प्रोग्राम में। तो पूरा का पूरा परिवार जुड़ चुका है भाई, ओम प्रकाश सिंह मारका हमारे साथ, प्रवीण जी जुड़ चुके हैं, रीना इंसा जुड़ चुकी है, और साथ में गुड़िया नजर आ रही है हमें, और पड़ोसी भी इन्होंने जोड़ने का काम किया है हमारे साथ। इनके जो पड़ोसी थे वो भी जुड़े, तरसेम सिंह जी कह रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली जी को टोहाना से टिकट मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं पूरी रियल न्यूज हरियाणा की टीम की तरफ से। और प्रोग्राम में एक पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तरसेम जी बहुत बड़ी बात है, घर में चार पांच सदस्य हैं, चारों के चार पांचों के पांच हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। ये रीना इंसा बहन जी हमारे साथ जुड़ी है, इससे साबित हो गया है कि पूरा का परिवार, पूरा परिवार जो वह प्रोग्राम देख रहा है। देवेंद्र सिंह बबली भाई साहब क्या बताएं, कई कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि हम तो बराला को वोट देंगे, अब उनको कौन समझाएगा। भाई आप लोग समझाएंगे, आपकी टीम समझाएगी, देवेंद्र सिंह बबली समझाएंगे, और कौन समझाएगा, बीजेपी की हाईकमान समझाएगी। रोशन सिंह कह रहे हैं ये ओम प्रकाश के पड़ोसी हैं, शेयर कर दिया जी, ओम प्रकाश जी सॉरी रोशन जी शेयर नहीं हुआ, अभी भी आपके सामने झंडा नजर आ रहा है। आप अपनी फेसबुक वॉल से शेयर करेंगे तब ये झंडा हटेगा, अब आप देखो झंडा हटवाना है कि नहीं हटवाना। फॉलो भी जरूर करें, जितने साथी जुड़े हैं वो फॉलो जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें, हमारे साथी जितने जुड़े हुए हैं हमारा परिवार। मैं आपको बता देता हूं, 1,57,000 का था जब प्रोग्राम शुरू किया, अब 1,58,000 का है। तो
काफी जो फॉलोइंग है हमारी काफी कम जो बढ़ रही है। जी, नैन साहब, बहुत बड़ी बात है। हमारा 1,58,69,000 का परिवार हो चुका है, 1,59,000 का परिवार है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी साथी, कोई भी हमारा पारिवारिक सदस्य ऐसा नहीं है जो असभ्य कमेंट करे। यही हमारे परिवार की पहचान है, यही रियल न्यूज हरियाणा की पहचान है, यही आप लोगों की पहचान है। और देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य कह रहे हैं, जी जी बहुत बढ़िया है जी। ये टीम देवेंद्र सिंह बबली सदस्य, अब आप थोड़ा आप चैनल को प्रमोट करें अपने ग्रुपों में, अपने साथियों को बताएं, सभी को बताएं आप, और साथियों को जोड़ने का कार्य भी करें। तो जितने साथी जुड़े हैं सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें, और सभी के कमेंट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी आप प्रोग्राम के बारे में बताएं, फिर आपसे इजाजत लेते हैं, समय हो चुका है। तो जल्दी एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं। उजाना से हमारे साथ नानू भाई जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं नानू भाई। राम राम भाई जी, राम राम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उजाना वासी हमारे साथ लेट जुड़े। और भक्ति नैन जी कह रहे हैं मस्त मस्त प्रोग्राम है। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य कह रहे हैं बेस्ट। क्या लगता है, क्या इन दो लोगों को ही अच्छा लगा प्रोग्राम? आप लोगों को इतने साथी जुड़े हैं जो, क्या प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा? जरूर एक बार बताएं। रीना इंसा कह रही है बहुत अच्छा लगा भाई जी वीडियो देखकर। वीडियो देखकर तो अच्छा लगा, क्या ये जो वीडियो हम हर रोज बनाते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ये कैसा लगा? वीडियो में हमें देखकर तो आपको अच्छा लगा, बहन को भाई तो अच्छा लगता है, मानते हैं जो कहीं भी देखे, बहन को भाई अच्छा लगता है, मानते हैं। प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा है प्रोग्राम? तरसेम सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है करण भाई जी, थैंक यू, रेटिंग 5 स्टार। जी बिल्कुल नैन साहब, तो फिर कल इसी समय इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नई एक नई पार्टी की लिस्ट लेके आपके सामने कोशिश करेंगे आए और बताएं कि किसने किसको उम्मीदवार बनाया है। जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी लेके आए, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी जुड़े, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।